लेकिन अब शुरुआत करते हैं फटाफट शहर के सेगमेंट की, और इसी के साथ आज का पहला शहर ले लेते हैं। कोटा से दुष्यंत का सवाल है RIIL पर। 100 शेयर्स हैं इनके पास, 446 के भाव पर इन्होंने खरीदारी की हुई है। सुमित, क्या सलाह देंगे RIIL पर? RIIL पे होल्ड की सलाह रहेगी। एक बार स्टॉक ऐसा लग रहा है यहाँ से ऊपर जा सकता है और यहाँ से थोड़ी और तेजी देखने को मिल सकती है। स्टॉक प्रेजेंटली अभी ट्रेड कर रहा है 430 के आसपास, 470 480 के लेवल देखने को मिल सकता है, होल्ड की सलाह रहेगी। अगला सवाल है जेटेवेज पर, राहुल का दिल्ली से, 250 शेयर्स है, परचेजिंग प्राइस है 588 का। संक्षेप में मनीष, क्या राय होगी आपकी जेटेवेज पर? जेटेडवेज होल्ड करना चाहिए। सेक्टर में लोड फैक्टर बढ़ रहा है और प्राइसिंग भी स्टेबल है और वॉल्यूम ट्रैफिक वॉल्यूम ग्रोथ है, सो शेयर को होल्ड करना चाहिए। ऑलराइट, गुजरात से रिफास का सवाल है जेपी एसोसिएट्स पर, 24 के प्राइस पर इन्होंने खरीदारी करी हुई है, स्टीप लॉसेस हैं, क्या करें इसमें? निकल जाना चाहिए, अच्छा स्टॉक नहीं है। रमेश पटेल का सवाल है बेंगलुरु से, सनफार्मा पर 200 क्वांटिटी है, परचेजिंग प्राइस है 864 का, क्या करें मनीष? जेपी एसोसिएट्स, सनफार्मा, ओके सनफार्मा। एक्चुअली फार्मा सेक्टर में बिकॉज ऑफ USFDA बहुत कंसर्न्स आ रहे हैं और उसकी वजह से काफी पूरे सेक्टर में डीरेटिंग हुआ है। और सेक्टर में आज की डेट में यदि देखा जाए तो वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से जो स्टॉक जो अच्छा लग रहा है हमको वो लुपिन है। जो यदि सनफार्मा आपके पास है तो आप लुपिन से उसको शिफ्ट कर सकते हैं। लुपिन इज द बेस्ट पोजीशन कंपेयर टू सनफार्मा इन द सेक्टर। जयपुर से अब अंकित का सवाल ले लेते हैं, ICICI बैंक पर ये जानना चाहते हैं, 50 शेयर्स हैं इनके पास, 240 का इनका परचेजिंग प्राइस है, थोड़ा नुकसान हो रहा है लेकिन क्या करें समय? लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए होल्ड की सलाह रहेगी। आने वाले समय में अच्छा रिटर्न मिल सकता है, स्टॉक ओवरऑल स्ट्रॉन्ग है, होल्ड करना चाहिए। सुभाष का सवाल है पंजाब से इंटेलेक्ट डिजाइन पर, और इनके पास 100 शेयर्स हैं, परचेजिंग प्राइस है 240 का, क्या करें मनीष? इंटेलेक्ट डिजाइन में इनके परचेजिंग प्राइस के नजदीक ट्रेड कर रहा है अभी। आई थिंक इसको इस स्टॉक को बेच के फ्रंटलाइन आईटी, मिड कैप या फ्रंटलाइन आईटी कंपनीज में डालना चाहिए। मिड कैप में आई लाइक माइंडट्री, सो बिकॉज ऑलरेडी विदाउट अर्निंग्स स्टोरी पे काफ़ी स्टॉक्स मजेस्को और इंटेलेक्ट डिजाइन बढ़े हैं लेकिन अर्निंग्स दिख नहीं रही अभी भी, तो मैं यही बोलूंगा माइंडट्री में शिफ्ट करना चाहिए। ऑलराइट, स्विच करके माइंडट्री में निवेश कीजिए। दिल्ली से मोहन सिंह का सवाल है, टीटेगढ़ वैगन्स पर 1000 शेयर्स हैं इनके पास, 130 का इनका परचेजिंग प्राइस है, क्या करें सुमित? होल्ड की सलाह रहेगी। स्टॉक में आने वाले समय में एक तेजी देखने को वापस मिल सकती है। 94 का लेवल चल रहा है, 105 का लेवल ब्रेक करेगा तो 130 तक के लेवल दिखाएगा, फिलहाल होल्ड की सलाह रहेगी। डॉक्टर SS सिन्हा का सवाल है कोलकाता से, DLF पर 300 क्वांटिटी है इनके पास, परचेजिंग प्राइस है 97 का, मुनाफे में है DLF पर, ये मुनाफा लेकर बाहर आ जाए या फिर होल्ड रखें मनीष? रियल एस्टेट सेक्टर में ओवरऑल ही वॉल्यूम के हिसाब से भी मंदी और प्राइस के हिसाब से भी करेक्शन आ रहे हैं डिफरेंट मार्केट्स में, तो कोई सेंस नहीं बनता अर्निंग परस्पेक्टिव से और ओवरऑल प्राइस सेंटीमेंट के परस्पेक्टिव से कि स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, इस प्राइस पर सेल कर देना चाहिए स्टॉक को। ऑलराइट, ओडिशा से अब सिद्धार्थ का सवाल है, लुपिन पर 30 शेयर्स होल्ड करते हैं, 1566 का इनका परचेजिंग प्राइस है, सुमित क्या स्ट्रेटजी अपनाएं? शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक को होल्ड करना तो बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म में हमको एक करेक्शन लगती है, आने वाले दो महीने के अंदर स्टॉक यहां से 200 से 300 रुपए की करेक्शन और दिखा सकता है, तो अगर शॉर्ट टर्म का टाइम होराइजन है तो एक बार निकल के नीचे में ले सकते हैं और अगर लॉन्ग टर्म का टाइम होराइजन है तो होल्ड कर सकते हैं। जी चलिए, इसके अलावा एक और क्वेरी, इनफैक्ट एक बार फिर से टाटा पार और अदानी पार का हाल देख लेते हैं, क्या क्योंकि जो खबर आई है डेफिनेटली वो अच्छी डेवलपमेंट नहीं है दोनों ही कंपनियों के लिए। इनफैक्ट पूरा मसला ये है टैरिफ का, CERC ने क्योंकि कंपनियों का कहना था कि जो वो कोल इंपोर्ट करते हैं वो एक्सपेंसिव प्राइस पर कर रहे हैं, ऐसे में जो कस्टमर्स है वो ज्यादा प्राइस देने के लिए तैयार नहीं है, तो ये पूरा मसला गया CERC के पास। CERC ने कहा कि ठीक है आप टैरिफ बढ़ा लीजिए और अपने जो जो कॉम्पनसेशन जो आप चाहते हैं या फिर जो हायर प्राइस पर आप कोल इंपोर्ट कर रहे हैं उस प्राइस को ऑफसेट करने के लिए आप टैरिफ बढ़ा सकते हैं। फिर एक एनजीओ ने अपील की एप्टेल में और साथ ही साथ कोर्ट में भी, और उसके बाद एप्टेल की ओर से उस प्ली पर सुनवाई करते हुए एप्टेल ने कहा है कि CERC दरें तय नहीं कर सकता है, और इसीलिए आप देखिए इन स्टॉक्स पे एक नेगेटिव, एक स्टीप नेगेटिव रिएक्शन देखा जा रहा है क्योंकि अच्छी डेवलपमेंट डेफिनेटली नहीं है। आपकी कोल इंपोर्ट की कॉस्ट हायर साइड पर है, जो आप प्लानिंग आपने की थी एक हायर टैरिफ्स चार्ज करने की, वो हक भी अब आपसे दूर जाता दिख रहा है एप्टेल की इस डेवलपमेंट के बाद, इसीलिए जो रिएक्शन है वो कितना स्टीप है, 8.5% नीचे ट्रेड करा है। मनीष,
आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? अदानी पार, टाटा पार, एप्टल से झटका लगा है, जो कॉम्पेंसेटरी हायर टैरिफ्स की बात आई थी सीईआरसी की ओर से अपनी एक्सपेंसिव कोल कॉस्ट को ऑफसेट करने के लिए, वो सिरे से नकार दी एप्टल ने और कहा है कि सीईआरसी को कोई हक नहीं है कि वो हायर प्राइसेस तय करने का लिबर्टी इन कंपनीज को दे। कितनी बड़ी नेगेटिव डेवलपमेंट आप मानते हैं इन कंपनीज के लिए? इस चीज़ को मैं लास्ट 2.5 ईयर से देख रहा हूँ कि जिसमें बेसिकली हुआ क्या था कि इंडिया में कोल का शॉर्टेज था, उसकी वजह से कोल को इंपोर्ट कर रहे थे और कोल की प्राइजेज इंटरनेशनली बढ़ गया था। तो ये कंपनी ने सीआरसी में बोला था कि हमको कंपनसेशन दे हाई टैरिफ के लिए, और उस समय उनका ये रिक्वेस्ट मंजूर भी हो गया था, उसकी वजह से स्टॉक में उछाल भी मिला था। लेकिन ये लीगल बैटल है जो चलती रहेगी, उसके वजह से स्टॉक्स में अप्स एंड डाउन्स आता रहेगा, लेकिन ओवरऑल सेक्टर में मोमेंटम है और रिफॉर्म्स हो रहा है सेक्टर में, तो ऐसे टेम्प्रेरी नेगेटिव को बाइंग अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना चाहिए। ऑलराइट, फॉर स्पेशली फॉर टाटा पावर। एब्सोल्युटली, तो यहाँ पर आपको जो सलाह दी जा रही है अभी पावर स्टॉक्स में, ऑब्वियसली जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए यानी उसकी वजह से उसमें वोलेटिलिटी जरूर देखने को मिली, लेकिन मनीष मानते हैं कि इसको आप करेक्शन ना माने और यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सभी क्वेरीज को भी आंसर करने के लिए और पूरी चर्चा करने के लिए। सुमित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आपका बाजार में बने रहने के लिए। वक्त तो चला है यहीं इस शो को समेटने का, हमें दीजिए इजाजत।